हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 19 और 20 में को जो एग्ज़ामिनेशन है उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न बन गया है बीए बीकॉम के एग्ज़ाम के बारे में, तो उसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन जो कि लेटेस्ट अभी आज ही आया है 17 में, जो सुबह जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी वो 16 डेट का जो आपका नोटिस था वो मैंने आपको दिखाया था। देखिए, पहले आपका ये 16 मई में यानी कल आपका रीशेड्यूल अर्जेंट नोटिस आया था और अब यूनिवर्सिटी ने एक नया जो नोटिफिकेशन है क्लेरिफिकेशन के लिए डाला है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 17 में फर्दर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेटेड 19 एंड 20 मई 2023। तो देखिए, चलो देखते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में भी सेम वही बात कही गई है जो कि आपको पिछली वीडियो में बताई गई थी 19 और 20 में, कि आपके एग्ज़ाम को लेकर कि 19 और 20 दोनों ही एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम एज इट इज़ होने वाला है, पर इसमें जो क्लेरिफिकेशन दिया है यूनिवर्सिटी ने वो दिया है बीए और बीकॉम को लेकर। जो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, इकट्ठे लिख दिया था BA/BCOM, जिससे कन्फ्यूज़न हो गया था कि बीए और बीकॉम के एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो भी पोस्टपोन हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। इस क्लेरिफिकेशन में आपको ये बताया गया है, मैं ऊपर के नोटिफिकेशन आपको बाद में दिखाऊँगी, पहले यहाँ पर बात करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। तो देखिए, ये है एक्सेप्शन नंबर 2 इसका। आपका क्या है, आपका बीए और बीकॉम इनके जो एग्ज़ामिनेशन है वो पोस्टपोन नहीं हुए हैं। उनके जो एग्ज़ामिनेशन है आपके अपने सेंटर पर जहाँ पर थे वहीं पर एज इट इज़ दोनों के ही होने वाले हैं। जो चेंजेस हुए हैं, जिनका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो वो हुआ है बीए एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड एलएलएम 2 ईयर कोर्स एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 20 मई 23 स्टैंड पोस्टपोन। तो इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, वो जो आपके सिंपल बीए और आपकी बीकॉम है उनका कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। और दूसरा, जो आपका ऊपर जो दिए गए जो सेंटर्स हैं वो भी, जिनका सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में सेंटर था, उनका एग्ज़ामिनेशन भी कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन नहीं हुआ है। उनका भी क्या है कि उनका ओनली सेंटर चेंज हुआ है, ठीक है जी। और आपकी इसकी पूरी डिटेल जो इससे रिलेटेड है बी एल एल बी ऑनर्स और बी कॉम एल एल बी ऑनर्स से, ये अपनी पूरी डिटेल जो है साइट पर जाकर देख सकते हैं। साइट यहाँ पर गिवन है आपको, exams.pucsd.ac.in, datesheet.php पे जाके आप अपना जो आपका नोटिस है वो वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल जान सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी आप कॉल कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी बात आपके बीए बीकॉम के एग्ज़ाम को लेकर। तो अब आपका एग्ज़ाम आपकी सेम डेट पे 20 डेट में आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट हुआ था उसी पर ही आपका सेम डेट में होने वाला है। अब इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है 17 डेट में आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 19 डेट वालों के साथ में उनके एग्ज़ाम के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है, जो भी हुआ है वो 20 डेट वालों के साथ में हुआ है क्योंकि 20 डेट में वहाँ पे कॉन्वोकेशन है। तो इस पर फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है कि जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले थे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर 14 में, जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले थे एग्जामिनेशन में, उनके उनके जो सेंटर है वो चेंज कर दिए गए हैं। अब देखिए, चेंज की किन किन सेंटर में हुआ है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपके कॉलम में दिए गए हैं इनके सेंटर बनाए गए हैं डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ में, ठीक है जी। और 20 डेट में ही एग्ज़ाम है इनका, इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। जो सेकेंड कॉलम है इसमें जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए गए हैं आपके सेक्टर 14 के, इनके एग्ज़ाम पीजी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में होने वाले हैं। तो आप सेम डेट पे अपनी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर टाइम पर पहुंचिए। आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दिया गया है, उसके लिए छोटा सा नोट है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट इन द चेंज्ड एग्ज़ामिनेशन सेंटर 1 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो आपने 1 आवर बिफोर आपके जो टाइमिंग थी उससे पहले वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाना है, ताकि आप अपना सीटिंग प्लान जो है वो जान सके टाइमली, ठीक है जी। तो ये आपकी जो इसकी पूरी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से बता दूं कि बीए बीकॉम का कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, आपके
अपने टाइम पे एग्ज़ाम होने हैं। ये सारा कन्फ्यूज़न जो हुआ वो लास्ट नोटिफिकेशन में जो BA BCom/ करके लिख दिया था उसकी वजह से हुआ है। अभी देखिए इन्होंने पूरा खोल के यहाँ पे अलग अलग से लिखा हुआ है, द BA LLB ओनर्स, BCom LLB ओनर्स। तो चलिए अब देख लेते हैं जो आज जो न्यू आपके जो चेंजेस हुए हैं डेट शीट्स में, इससे अलग नोटिफिकेशन आई है जिनकी आज, वो देख लेते हैं। अब एडिशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन बैचलर वोकेशनल 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर रेगुलर रीअपियर एग्जामिनेशन में एडिशन हुआ है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट शीट में आपके चेंज इन MA सोशल साइंस सेमेस्टर सिस्टम कॉमन विद MA जनरल 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपकी जो है चेंजेस हुआ है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए चेंज इन द डेट शीट ऑफ MA सोशल साइंस सेमेस्टर सिस्टम कॉमन विद MA जनरल 4th सेम एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन May-June 2023। तो फॉलोइंग चेंजेस आपके डेट शीट में किए गए हैं, आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट पेपर कोड गिवन है और डेट ऑलरेडी जो आपको नोटिफाइड की गई थी वो थी 11/5/23 इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि अब रिवाइज्ड डेट है आपकी 20 May 2023। टाइम एंड वेन्यू विल रिमेन द सेम, तो टाइम एंड वेन्यू में आपके कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये थी आपके लिए आपके एग्जामिनेशन में की डेट शीट्स और आपके जो 19 और 20 मई में जो एग्ज़ाम है उसके क्लैरिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर दी है। होप आपको जो सारी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।